बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पूरी फैमिली में कोई बिजनेस पर्सन नहीं था। जब स्टार्ट किया आफ्टर डिग्री तो दो तीन स्टार्टअप मैंने किए जो कि फेल हो गए। बेसिकली इन्वेंट पीयर्स का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जब लोग मिलते हैं तो इनोवेशन आती हैं। तो मेरा बेसिक पर्पस यही था कि हमने यूथ में जितनी भी डायरेक्शन नहीं है उसको एक डायरेक्शन देनी है। एक एडवाइस ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वो करते रहें, वो कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ आप ई कॉमर्स सीखें, डेली बेसिस पे 2-3-4 घंटे आप ई कॉमर्स को दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने BBA ऑनर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, और जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी इसी डोमेन में काम करने का सोचा। हम इनसे जानेंगे कि जब अपना बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये क्या समझते हैं कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, और क्या इसमें ये टिप्स देना चाहेंगे, क्या इसमें ऐसी चीज़ें ये बताना चाहेंगे जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस इन्होंने फ़ेस किए, फिर इन्होंने उनको कैसे काउंटर किया, कैसे फ़ेस किया और अपने बिज़नेस को कामयाबी के साथ रन करें। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी पूछेंगे कि हमारी यूथ के अंदर जो एक क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो अगर जॉब्स करते हैं तो मुसलसल जॉब करते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमने पहुँचना किधर है, एक लॉन्ग टर्म विज़न की जो कमी है उसको ये कैसे देखते हैं और कैसे एड्रेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अता सुल्तानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह इतनी यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, और आपने मतलब हार्डली 2-3 इंटर्नशिप्स की थी, इंटर्नशिप्स के बाद डायरेक्टली आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या वजह थी? बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पूरी फैमिली में कोई बिज़नेस पर्सन नहीं था, और जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी अपनी तो मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप ये डिग्री करो और उसके बाद आप बिज़नेस करो। तो एक बात तो बहुत क्लियर थी मेरे माइंड में कि मैंने बिज़नेस फील्ड में आना है और जॉब नहीं करनी, लेकिन अब बिज़नेस क्या करना है, कैसे करना है, इसमें मैं कन्फ्यूज़ था काफ़ी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। लेकिन उसको हमने जब स्टार्ट किया आफ्टर डिग्री तो 2-3 स्टार्टअप मैंने किए जो कि फ़ेल हो गए। फिर मैंने एक स्टार्टअप ये लिया कि मेरा एक दोस्त था, उसका गेमिंग जोन था, उसमें मैंने अपना इनिशिएट ये किया कि मैंने उसको एक कैफ़े की शक्ल दे दी। सही। उसको हमने नाम दिया गेमिंग कैफ़े। उसमें ये था कि जितने बच्चे गेम्स खेलने आते थे वो सारे ऑर्डर्स भी करते थे फूड बाहर से, तो हमारा प्लान ये था कि हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे, साथ में जो बाहर के जो ऑडियंस है उसको भी हम टारगेट करेंगे। सही। लेकिन कोविड की वजह से वो भी जो है कि वो कामयाब नहीं हो सका, वो जो हमारा वेंचर था। आई गेस कि ये अच्छा हुआ कि ये वो हमारा वेंचर कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ आया, और ई कॉमर्स पे फिर मैंने जब स्टार्टिंग की तो बहुत सारी वीडियोस थी, EVS था, YouTube थी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। तो करते करते फिर जब मैंने सबसे पहले मैंने अमेज़ोन से स्टार्ट किया, अमेज़ोन सीखा, और फिर मैंने दोस्तों को अमेज़ोन सिखाया फ्री में, क्योंकि बहुत हाइप थी अमेज़ोन की। सही। और जितने भी मेरे दोस्त थे उनको, फिर उनके आगे जो दोस्त थे, ग्रुप बनाकर मैंने उनको सिखाना स्टार्ट किया और उनसे फीडबैक लिया कि आपको ये जो सिखा रहा हूँ समझ आ रही है, कैसा आपको लग रहा है, तो सब ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो वहाँ से बड़ी मोटिवेशन मुझे मिली। सर, आपने जो अपना इदारा बनाया इन्वेंट पीयर्स के नाम से, इसके पीछे क्या विज़न था, क्या एक स्ट्रेटेजिक गोल्स थे कि मैंने ये करना है और इसको इस तरह से अचीव करना है, वो विज़न क्या था? बेसिकली इन्वेंट पीयर्स का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जब लोग मिलते हैं तो इनोवेशन आती हैं। तो मेरा बेसिक पर्पस यही था कि हमने यूथ में जितनी भी डायरेक्शन नहीं है उसको एक डायरेक्शन देनी है। सही। क्योंकि मैं ख़ुद भी यूथ हूँ और मेरे जितने भी 60 टीम मेंबर्स हैं वो सारे यूथ हैं। हम कॉलेज फेलोज़ हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम सारे कुलीग्स हैं, और हम मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हमारी जितनी यूथ है वो भी हमें जब देखे तो वो भी हमसे कुछ सीखने को उनको मिले। तो बेसिकली जो पर्पस था वो यही था कि हम इन्वेंट पीयर्स के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें यूथ को जो कि मोटिवेशन भी हो और बहुत सारी उनको लर्निंग भी वहाँ से मिले। सर, ये अभी आपका जो इदारा है इन्वेंट पीयर्स, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है करंटली, और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? अभी जो बेसिकली सर्विसेज है हमारी वो सारी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में सबसे पहले हमारा जो मेन होता है प्रोडक्ट का,
कि प्रोडक्ट कैसे सेल आउट करनी, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए अभी जो हमारी सर्विसेज हैं मेन कोर सर्विसेज, उसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एड्स हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, उसके अलावा अमेज़ॉन की, ईबे की सर्विसेज हम देते हैं सारी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, वो कौन से ऐसे जो चैलेंजेस हैं जहाँ पे आके आप स्टक हुए, आपको लगा कि मैं कोई जॉब कर लेता या कोई और काम कर लेता, यहाँ मैं फंस गया हूँ, और फिर उन चैलेंजेस से आप कैसे निकले? जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और मेन बात ये है कि आपने रुकना नहीं होता, आपने लगे रहना है। मुश्किलें आती हैं, नुकसान होता है, आप डीमोटिवेट भी होते हैं सम टाइम, लेकिन आपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपने आगे बढ़ना होता है। तो यही एक मेन बात थी कि कोशिश हमारा काम है और मदद अल्लाह ने करनी होती है, तो बस इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आप इस कंपनी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? कोई ड्रीम, कोई ख्वाब ऐसा जो अब तक अधूरा हो, वो क्या है? अभी जो हमारी कंपनी है इन्वेंट पियर्स, वो बेसिकली एक तो इन्वेंट पियर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके अलावा हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा SOIP स्कूल ऑफ इन्वेंट पियर्स है, जिसमें हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मीडिया की सर्विसेज और सारी अमेज़ॉन की, ईबे की, और इसके अलावा भी हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस वो ट्रेनिंग्स हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो फ्यूचर है वो यही है कि हमने यूथ को अपने पांव पर खड़ा करना, उनको डायरेक्शन देनी है। ठीक है, जो मैंने देखा, मुझे ये लगता है कि हमारी जो यूथ है उसको डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है काम करने का लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन आएगी तो वो जो अपनी एनर्जी है वो कहीं और वेस्ट नहीं करेंगे, एक सही रास्ते पर वेस्ट मतलब यूटिलाइज करेंगे। अच्छा सर, एडवाइस यूथ को क्या है आपकी तरफ से? एक एडवाइस ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वो करते रहें, वो कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ आप ई कॉमर्स सीखें, डेली बेसिस पे 2-3-4 घंटे आप ई कॉमर्स को दें। जब आपको ये लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तब आप फुल टाइम ई कॉमर्स पे आ जाएं और बाकी चीज़ों को कम कर दें। और उसके भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने दो काम करने हैं। एक काम आपने ये करना है कि आपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखना है, सही, और सेकेंड आपने ये करना है कि आपने लगे रहना है, क्योंकि अल्लाह पर यकीन का मतलब ये है कि अगर आपको रास्ता बंद भी नज़र आ रहा है तो यकीन ये कहता है कि आपको रास्ता खुला मिल जाएगा, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। एक तो ये काम, दूसरा ये काम कि आपने लगे रहना है, कोई बात नहीं, नुकसान होगा, मुश्किलें आएंगी, डीमोटिवेशन आएगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है। सर, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जो हैं आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस तरफ कैसे आपका रुझान डेवलप हुआ? बिज़नेस पहले स्टार्ट किया या ये सोशल वर्क पहले स्टार्ट किया? बेसिकली सुल्तान बाहू ट्रस्ट जो है वो बहुत एक बड़ा अदारा है, पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है, दुनिया भर में, और मेरी जो नस्बत है यहाँ से ऑलमोस्ट 12-13 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये अभी जैसे सैलाब आया, बहुत सारे इन्होंने काम किया, पाकिस्तान भर में काम किया, और इनका जो सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि ये भी एक अदारा चला रहे हैं यूनाइटेड कॉलेज के नाम से। उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जितनी भी हमारी पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो साथ साथ अपनी एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं दुनियावी, उसके साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। सही। मतलब एक ही छत के नीचे दुनियावी निज़ाम भी डाल दिया और दीनी तालीम भी दे दी, ताकि जब बच्चा डिग्री को मुकम्मल करे तो उसके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में डिग्री हो, और वो पाकिस्तान में बाशऊर इंसान बनकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। सर, आपकी जो कंपनी है इन्वेंट पियर्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा बहरिया टाउन में है। सही। और उसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं डिफरेंट स्कूल्स में हो रही हैं, हमने MOU साइन किए हुए हैं, और उसके अलावा डिफेंस में हमारा एक जो है ना ट्रेनिंग सेंटर है। सही। सर, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ और कासिम अली शाह साहब को बहुत सुनता हूँ, उनकी बहुत सारी चीज़ों को सुनकर मैंने अडॉप्ट किया, सीखा, और वहीं से हमें एडवाइस मिलती है, आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, और इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी भी बात आगे जा रही है। सर, जो ऑनलाइन सर्विसेज आप दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये आप आगे फ्यूचर में भी इसी तरह देते रहेंगे, और अभी तक आप किस हद तक प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे नेशनल भी क्लाइंट्स हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं,
और हमें तकरीबन इस कंपनी को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने दोस्तों से स्टार्ट किया, पहले उनको हमने प्रॉफिट में लेकर आए, देन हम बाहर निकले ताकि हमारी जो सर्कल में लोग हैं उनको फ़ायदा हो और वो ये देखें कि ये वाकई ये जो काम हो रहा है ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड काम है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी कंपनी माशाल्लाह 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और बड़ी जल्दी आपने ग्रो किया है, आपके मेन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो इस वक्त जो आपके लिए कह लें कि प्रॉफिट का भी बाइस बन रहे हैं, कंपनी की पहचान का भी बाइस बन रहे हैं और कामयाबी से चल रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा जो मेन जो कंपनी है वो है इन्वेंट पियर्स, जो कि हमारी सर्विसेज कंपनी है जहाँ से मैंने खुद स्टार्ट किया था सर्विसेज देने से। और उसके अलावा हमारी SOIP एक है जहाँ पे स्कूल ऑफ इन्वेंट पियर, जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं डिफरेंट, जो कि अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स हैं, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग्स हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है। और इसके अलावा साथ साथ अब हम एडवांस जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, ताकि हम वो भी ट्रेनिंग्स लोगों को बच्चों को करवाएं। उसके साथ साथ हमने एक अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इन्वेंट विस्टा रियल्टर्स के नाम, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल इस्टेट से रिलेटेड है। तो ये हमारी मेन प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अता सुल्तानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनके विजडम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो यूथ को इन्होंने सजेशंस दी कि क्लैरिटी उनके पास होनी चाहिए और एक अल्लाह पे तवक्कल कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।